हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन आपका है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 37 होल 4/5 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 6 होल 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, फाइंड इट्स ब्रेथ। चलिए बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया है 37 होल 4/5 इज इक्वल टू, लेंथ दिया है 6 होल 3/4 मल्टीप्लाइड ब्रेथ दिया आपका यहाँ पे बी है। 5 × 35 फोर एड करेंगे हो जाएगा 39, और 5 × 3 = 15 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18/5 इज इक्वल टू 6 × 4 = 24 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बी। ये देखिए बी डिवाइड में है, लेफ्ट टू राइट जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 27 मल्टीप्लाई है लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। B इक्वल टू 189 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 27। चलिए 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 3 = 23, 9 × 6 = 23, 9 × 18 = 9। इट्स ओके। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21। ये आपका हो जाएगा 7 × 4/5 इज इक्वल टू 7 × 4 = 28, और 5 नीचे आपका डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। अब इसे डिवाइड करते हैं, 5 × 25 = 3/5 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा ब्रेथ, मीन्स बी इक्वल टू हो जाएगा 5 होल 3/5 सेंटीमीटर। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्वेश्चन आपका है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज फाइव इफ वन ऑफ देम इज 13 होल 4/7 तो क्या करना, फाइंड अदर, आपको ज्ञान करना, फाइंड द अदर। तो बात करते हैं सोल्यूशन में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल, मान लेते हैं नंबर आपका एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई नंबर है, मीन्स प्रोडक्ट बोला एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें भी आपको दिया है फाइव इक्वल टू, इसमें फर्स्ट आपका एक्स है, सेकेंड आपका वाई है। इसमें फर्स्ट आपका दिया है कितना, 13 होल 4/7 मीन्स 13 होल 4/7 मल्टीप्लाइड है बाई वाई, तो वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 7 = 21 में 4 ऐड करेंगे, 21 में 4 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 25 के 5 कैरी ऑन आपका हो जाएगा 2, 7 × 7 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 9/95/7 मल्टीप्लाइड वाई इक्वल टू 5। ये अब नेक्स्ट वाई इक्वल टू लिखते हैं 5 × 7/95, 5 × 5 = 4, 5 × 9 = 45 मीन्स
y इक्वल टू हो जाएगा 7/19। ये आपका आंसर हो जाएगा। इट्स ओके, थैंक यू।